हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके अगर फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मोवेस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। मोवेस कंपनी का पूरा नाम है मोवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में है। इस कंपनी में वैकेंसी फिर से स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए मोवेस कंपनी है कहाँ पे। इसका फुल एड्रेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मोवेस कंपनी में वैकेंसी चालू हो गई है। इस कंपनी में मतलब रिक्वायरमेंट है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। इस कंपनी में जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। आप गर्ल्स हो या बॉयज दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोवेस कंपनी है कहाँ पे, इसके फुल एड्रेस मैं बताने वाला हूँ। मोवेस कंपनी में काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मोवेस कंपनी में आपको 8 घंटे की सैलरी क्या दी जाती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है ये भी मैं बताने वाला हूँ। कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कितने से कितने बजे तक कंपनी चलती है, साथ में आपको ओवर टाइम कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, कंपनी कैसा है, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोवेस कंपनी का एड्रेस के बारे में, क्योंकि इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए कंपनी का एड्रेस जाना बहुत जरूरी है, तभी तो आप इस कंपनी तक पहुंचेगा। जब तक आप इस कंपनी तक पहुंचेगा नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए इस कंपनी का एड्रेस जानना है। तो देखिए मोवेस कंपनी का एड्रेस अगर आप मैप पे देखते हो तो मैप पे आपको बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब टाइम पे इस कंपनी के गेट तक पहुंच भी नहीं पाइएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं इस कंपनी के गेट तक पहुँचा हूँ मैं आपको वही रास्ता बताऊँगा। आप भी हो सके तो वही रास्ता अपनाइएगा, क्योंकि उस रास्ते से अगर आप आते हो तो आप जल्दी इस कंपनी के गेट तक पहुँच जाइएगा। तो सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइएगा, ठीक है। दिल्ली से आपको बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 37, ठीक है। मैं सेक्टर 37 इसलिए बता रहा हूँ कि दिल्ली से अगर कोई नोएडा एंट्री करता है तो अब वो सबसे पहले सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आता है, ठीक है। तो आपको सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आ जाना है। सेक्टर 37 से आपको बोटेनिकल गार्डन से आपको सूरजपुर आ जाना है, ठीक है। सेक्टर 37 से सूरजपुर की दूरी 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ आप टेम्पो वालों को ही बोल सकते, वरना आप वहाँ से सरकारी बस चलती है, सरकारी बस की कीमत कम है, तो आप सरकारी बस से भी आ सकते, वरना आप टेम्पो से भी आ। सूरजपुर मतलब सूरजपुर से आपको मोवेस कंपनी की दूरी है करीबन 2.2 किलोमीटर, ठीक है। तो आप पैदल भी आ सकते, वरना आप टेम्पो वालों को बोलिए कि मुझे मोवेस कंपनी जाना है, तो आपको 10 रुपये वहाँ से किराया लेंगे, ठीक है। तो आप सूरजपुर से मोवेस कंपनी आ जाइएगा। मैं आपको मैप पे भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको आने में कोई परेशानी ना हो। आप इसी रास्ते से आइएगा, आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से इस कंपनी के गेट तक पहुँच जाइएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर कुछ समय से देख रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ इस कंपनी में जॉब के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, तो बहुत सारे लड़के और लड़की जॉब के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लड़कों के हाथ में आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं। सारे लोग यहाँ इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मतलब भर्ती होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे खड़े हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। इस कंपनी में जॉब के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप गर्ल्स भी हो या बॉयज़ दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोवेस कंपनी में काम क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए मोवेस कंपनी में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो सैमसंग के इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपको पता ही होगा कि हर महीने में 1-2 फोन है, तो सैमसंग मतलब पूरे कंप्लीट नहीं कर पाती फ़ोन का जितना टारगेट होता है। तो बहुत सारी कंपनी को मतलब अपने फ़ोन मतलब बांट रखी है कि आपको इतना प्रोसेस करके आपको मुझे हैंडओवर कर देना है। सैमसंग को मोवेस कंपनी क्या करती है, कुछ प्रोसेस हो करके सैमसंग को हैंडओवर कर देती है। आपको जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी बताया जाएगा इंटरव्यू के समय, आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या काम होता है, तो आप इंटरव्यू में आपको क्लियर बताया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोवेस कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है। देखिए मोवेस कंपनी की ओर से आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री दी जाती है, ठीक है। उसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है, आपको कंपनी की ओर से आपको बस और कैंटीन फ्री दी जाती है। लड़कों की आपको 15 दिन पर नाइट मतलब शिफ्ट चेंज होती रहती है, 15 दिन नाइट और 15 दिन डे रहेगा। गर्ल्स की हमेशा डे रहती है, उनकी शिफ्ट चेंज नहीं होती है। बॉयज की जो है वो 15 दिन नाइट और 15 दिन डे। तो आपको डे हो या नाइट, आपको कंपनी लंच और डिनर प्रोवाइड कराएगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप कहीं भी रहते हो मतलब उसके आपको एड्रेस बताना होगा इंटरव्यू के समय, आपको आने और जाने के लिए कंपनी बस प्रोवाइड कराती है, इसके भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और आपको ड्यूटी टाइमिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग है मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ठीक है। और आपको नाइट में भी आपको 8 बजे से लेकर सुबह
चार बजे तक, और उसके अलावा आपको कंपनी 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है फिलहाल, क्योंकि कंपनी की ओर से 4 घंटे पर डे ओवर टाइम चलता था, लेकिन अभी कुछ काम डाउन चल रही है कंपनी, हम अप्रैल में डाउन चलती है, जिसके कारण कंपनी 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है। हो सकता है कभी कभी कंपनी ओवर टाइम नहीं भी दे रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में कंपनी बहुत डाउन चली, सारी कंपनी डाउन चली और वैकेंसी भी बहुत कम चली है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि किसी कंपनी में वैकेंसी नहीं चल रही है। जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलती है तुरंत मैं आपको वीडियो बना कर दे देता हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सके और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस कंपनी में फिलहाल वैकेंसी चल रही है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू वैकेंसी चलती है, देखिए इस कंपनी में फिलहाल वैकेंसी चल रही, हो सके तो आप 1-2 दिन बाद बंद भी हो जाए, नहीं भी बंद हो जाए, लेकिन आप जब भी इस कंपनी में जॉब के लिए आते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको पूरी क्लियर बता दूँ कि हाँ इस दिन आपको इस कंपनी में वैकेंसी चल रही, तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए जा सकते। कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी में आपको जॉब के लिए कब और कितने बजे आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। देखिए कंपनी में आपको जॉब के लिए सुबह 8 बजे तक इस कंपनी के गेट पे प्रेजेंट हो जाना है, क्योंकि 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में मतलब 8 बजे से पहले इस कंपनी के गेट तक पहुंच जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस कंपनी में जब भी वैकेंसी चलती है तो बहुत सारे लड़के इस कंपनी में आ जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे से पहले इस कंपनी के गेट पर पहुँच जाइएगा। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर आना है ये मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा ग्रेजुएशन कर किए हुए ITI हो, डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी लगती है, ठीक है, लेकिन ITI डिप्लोमा वालों की जो सैलरी वो अलग रहती है। लेकिन देखिए आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ITI डिप्लोमा कर रखे, उसके साथ साथ आपको किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप कंपनी में डायरेक्ट वैकेंसी के लिए जाते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर के हाथ मत लगे, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगते हो तो आपको 8 घंटे की सैलरी जो बताई जाएगी वो सेम सैलरी बताई जाएगी, ठीक है, तब डायरेक्ट कंपनी में मतलब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तब आपको ऑन रोल भी मतलब लिया जा सकता है और उसके हिसाब से आपको सैलरी भी मतलब बढ़ा कर दिया जाता है, ठीक। तो चलिए आप बात कर लेते सैलरी की, तो जो 10th 12th पास रहते हैं उनको कंपनी 8 घंटे की जो सैलरी लगाती है वो 9500 लगाती है, ठीक है, 9500 जो 10th और 12th पास किए हुए रहते हैं उनकी सैलरी जो वो 9500 लगाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप ITI कर रखे हो तो उनकी सैलरी थोड़ी सी हटकर लगाई जाती है, जो बेसिक सैलरी वो मैं बताया 10th और 12th वालों की, ठीक है, उनकी 8 घंटे की सैलरी 9500 लगाई जाती है। उसके अलावा कंपनी में आपको फिलहाल 3 घंटे ओवर टाइम चल रही है, ठीक है, ओवर टाइम का जो कीमत है 75 रुपीज़ पर आवर, ठीक है, मतलब 75 रुपये घंटे आपको ओवर टाइम दी जाती है। फिलहाल इस कंपनी में 3 घंटे ओवर टाइम चल रही है, लेकिन इस कंपनी में 4 घंटे ओवर टाइम दी जाती है, लेकिन अप्रैल का महीना है तो इस कंपनी में काम डाउन मतलब काम जो है डाउन हो गया, जिसके कारण कंपनी आपको 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है। जब काम मतलब अच्छे खासे चलने लगती है तो कंपनी आपको संडे भी चलाती है, और जो संडे जो चलते हैं वो आपको पूरे 8 घंटे हो या 12 घंटे हो आपको पूरे ओवर टाइम पर चलाती है, ठीक है। ओवर टाइम का प्राइस आपको पता चल गया 75 रुपीज़ पर आवर। उसके अलावा आपको 700 रुपये अटेंडेंस अवार्ड दी जाती है, अटेंडेंस अवार्ड आपको पता ही होगा, अटेंडेंस अवार्ड आपको मतलब 26 के 26 दिन अगर आप ड्यूटी करते हो इस कंपनी में तो आपको 700 रुपये अटेंडेंस अवार्ड दी जाती है। जो सैलरी सुन के आपके मन में एक डाउट जरूर हो गया कि कंपनी आपको 8 घंटे की जो सैलरी है 9500 जो दे रही है वो बहुत कम दे रही है, ठीक है, लेकिन वो कम किस लिए दे रही है, क्योंकि कंपनी जो 10th और 12th पास जो रहते हैं उनकी सैलरी 9500 इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी उनको हेल्पर में लेती है, और हेल्पर की जो सैलरी है वो 9500 है, ठीक है, तो हेल्पर की सैलरी 9500। उसके अलावा आपके पास अगर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हो, तो आप इंटरव्यू में मतलब अच्छे खासे जो भी सवाल किए जाते हैं उनके जवाब दे सकते हैं, मतलब दिया जाता है, उसके अनुसार आपको कंपनी सैलरी लगाती है। तो आप सैलरी के लिए आप डिमांड कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैं ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखता हूँ, मुझे इतनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, और नहीं दे सकते हो तो मैं कहीं और मतलब जॉब ढूंढ सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो क्योंकि आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, किसी कंपनी का मतलब वर्क सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो कंपनी आपको उतनी सैलरी देती है जो आप डिमांड करते हो, ठीक है। जो भी आपको कंपनी सैलरी देती है वो 9000 से हटकर देती है, जैसे 10-12-15 हज़ार के करीब आपको कंपनी सैलरी देती है, वो आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी की ओर से आपको SI और PF कटती है, ठीक है, 12% आपका PF कटता है, 1.5% आपका SI कटता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नोएडा में हर रोज़ किसी न किसी कंपनी में वैकेंसी चलते रहता है, जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलेगा तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।